मैं राखी, आज हम डिस्कस करेंगे कैसे ऊर्ध्वाधर और तिरोभिमुख मेथड से हम 4 digit by 4 digit एंड 5 digit by 5 digit मल्टीप्लिकेशन भी सिंगल लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम कुछ टेक्निक भी डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, जैसे हम 345 × 101, 345 × 1001, 345 × 1001, 2856 × 1001, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे सिंगल लाइन में कर सकते हैं उसका टेक्निक आज हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे 11 का मल्टीप्लिकेशन, 111 का मल्टीप्लिकेशन, उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं, आज का जो टॉपिक है दैट इज 4x4 का मल्टीप्लिकेशन ऊर्ध्व तिरोभिमुख मेथड से। सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ हम स्टेप्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टेप वन के हिसाब से सबसे पहले हम करेंगे 7 × 1, 7 × 1 = 7। उसके बाद स्टेप टू में क्या है, 4 × 7, 8 × 1, 4 × 7, 8 × 1, 4 × 7 = 28, 8 × 1 = 8, 28 + 8 = 36, 36 × 6 = 3 carry over। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 3 × 7, 6 × 1 and 4 × 8। ये तीन नंबर को हम एडिशन करेंगे, तो हम एडिशन का प्रोसेस भी उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। 3 × 7 = 21, 6 × 1 = 6, 21 + 6 = 27, 27 + 6 = 32, 27 + 32 = 22, 22 + 20 = 52, 52 + 7 = 59, 59 + 3 = 62, now 6 carry over। फोर्थ स्टेप पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लिकेशन होगा एंड उसके साथ साथ उसको हम ऐड करेंगे। फर्स्ट इज 2 × 7 and 5 × 1, 2 × 7 + 5 × 1, 2 7 = 14, 5 1 = 5, 14 + 5 = 19, 19 के बाद 3 × 8 = 24, 3 × 24 = 19 + 24, 24 + 9 = 34, 34 + 9 = 43, 43 + 6 = 20, 43 + 20 = 63, 63 + 4 = 67, 67 + 6 = 73, 7 carry over। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, 8 × 2 = 16, 4 × 5 = 20, 8 × 2 = 16, 4 × 5 = 20 and 3 × 6 = 18। तो 16 + 20 = 36, 36 + 18, 36 + 10 = 46, 46 + 8 = 54, 54 + 7 = 61, 1 6 carry over। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 × 6, 5 × 3, 2 × 6, 5 × 3 = 12 + 15, 12 + 15 = 27, 27 + 6 = 33, 3 carry over। एंड लास्ट स्टेप इज 5 × 2, 5 × 2 = 10, 10 + 3 = 13। तो ये 2, 3, 4, 1, 5, 6, 8, 7 का आंसर हमारा आ गया, आंसर है 1, 3, 1, 3, 2, 6, 7। तो इतना बड़ा जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, बट एक है कि हमें जो एडिशन करना है, एडिशन का टेक्निक जो हम बता रहे हैं, अगर इस टेक्निक को हम फॉलो करेंगे तो एडिशन का मिस्टेक्स भी नहीं होगा और हमारा इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी हम सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 5 digit by 5 digit मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। Seven twos are 14, one carry over.
सेवन वन जो सेवन थ्री टू जो सिक्स सेवन प्लस सिक्स इज थर्टीन प्लस वन फोर्टीन वन कैरी ओवर 56 प्लस 10 66 66 प्लस 3 इज 69 69 प्लस 1 इज 70 नेक्स्ट 21 प्लस 12 21 प्लस 12 इज 33 33 प्लस 24 33 प्लस 20 53 53 प्लस 4 इज 57 57 प्लस 5 57 प्लस 5 इज 62 62 प्लस 7 इज 69 6 कैरी ओवर देन 4 7s are 28, 3 2s are 6, 28 plus 6 is 34, 34 plus 9 is 43, 43 plus 6 is 49, 49 plus 40, 49 plus 40 is 89, 89 plus 6 is 95, 9 carry over. Next is 12 plus 3, 12 plus 3 is 15, 15 plus 15 is 30, 30 plus 48, 30 plus 48 is 78, 78 plus 9 is 87, 8 carry over. Next is 20 plus 24, 20 plus 24 is 44, 44 plus 18, 44 plus 10 is 54, 54 plus 8 is 62, 62 plus 8 is 77 carry over. Then 24 plus 9, 24 plus 9 is 33, 33 plus 7 is 44 carry over. Then 3 4 is 12 plus 4 is 16. If 5 digit by 5 digit multiplication mein hume at a time 5 numbers ko bhi add karna pad raha hai. तो पहले टू नंबर्स उसके बाद थ्री नंबर्स उसके बाद फोर नंबर्स उसके बाद फाइव नंबर्स तक हमें ऐड करना पड़ रहा है. तो अगर हमने जो स्टेप्स ऐड करने एडिशन का जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो एडिशन बहुत आसान हो जाएगा और आपका ये कोई भी फाइव डिजिट बाय फाइव डिजिट मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे सिंगल लाइन में सॉल्व कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं वीडियो के शुरू में हम जो साम्स दिखाए थे उसके टेक्निक के बारे में. तो सपोज द नंबर इज 395 मल्टीप्लाइड बाय 11. 11 का जो प्रोसेस है वो हम मेरा लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो उसको अभी हम सिर्फ साम को सॉल्व कर लेते हैं. 5 9 प्लस 5 इज 14 1 कैरी ओवर. 3 प्लस 9 इज 12 प्लस 1 13 1 कैरी ओवर. ये 1 3 के साथ ऐड हो जाएगा तो 4. तो आंसर इज 4345. अब इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 101 के साथ. तो 101 का अगर हम देखते हैं तो दिस इज 100 प्लस 1. इसको एक बार लिख लेते हैं स्प्रेड करके. 395 इंटू 100 प्लस 1 दैट इज 395 इंटू 100 प्लस 395 इंटू 1 दैट इज 39500 प्लस 395. इस सम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? 395 इंटू 101. ये 101 में दो जीरो है क्योंकि 100 है. 100 दो जीरो जब है तो प्रोसेस में के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले राइट हैंड साइड से दो डिजिट को हम अंडरलाइन करेंगे, उसको हम एज इट इज आंसर में लिख देंगे 95. उसके बाद ये जो 5 है ये 5 को हम ऐड करेंगे 3 के साथ. 9 को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 9 को हम 0 के साथ ऐड करेंगे. एंड 3 को भी हम ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 के साथ. तो ये चलेगा तब तक जब तक हमारे ये नंबर में डिजिट बचता है. तो हमारे प्रोसेस के हिसाब से फिर क्या हुआ, 5 प्लस 3 इज 8, 9 प्लस 0 इज 9 एंड 3 प्लस 0 इज 3. सो द आंसर इज 39895. नेक्स्ट सम इज 485 इंटू 101. तो हमारा 100 में दो जीरो है तो हम दो नंबर को अंडरलाइन कर दिया. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 एंड 8. ये 85 को हम एज इट इज लिख देंगे. उसके बाद ये 5 को हम ऐड करेंगे, जहां तक हमने अंडरलाइन किए हैं उसके नेक्स्ट डिजिट से हमारा एडिशन शुरू होगा. तो ये 5 को ऐड करेंगे 4 के साथ, 8 को ऐड करेंगे 0 के साथ, 4 को ऐड करेंगे 0 के साथ. तो 8 प्लस 5 प्लस 4 इज 9, 8 प्लस 0 इज 8 एंड 4 प्लस 0 इज 4. सो द आंसर इज 485 इंटू 101 इज 48985.
अब हम उसी टाइप के मल्टीप्लिकेशन और कंटिन्यू करते हैं, पहले हम फोर डिजिट के साथ करते हैं। तो हम जैसे प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, ये 101 है, 100 पे हमारे पास दो जीरो है, तो हम दो डिजिट को हम राइट हैंड साइड से अंडरलाइन कर देंगे, तो एंड उसी दो डिजिट को हम आंसर में सीधा सीधा लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये 5 ऐड होगा 3 के साथ, 8 ऐड होगा 4 के साथ, 3 ऐड होगा 0 के साथ एंड 4 ऐड होगा 0 के साथ। तो आंसर क्या बन रहा है, 5 प्लस 3 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 0 इज 3 एंड प्लस 1 4, 4 प्लस 0 इज 4। सो आंसर इज 442885। और एक सम देखते हैं, इसमें हम मल्टीप्लायर को रखेंगे 1001। तो एक चीज बता देते हैं, ये 1001 का भी एक नंबर का मल्टी प्रोडक्ट है, ये 3 ऐसे नंबर है जो तीनों ही प्राइम नंबर है, वो है 7, 11 एंड 13। 7, 11 एंड 13 तीनों प्राइम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 1001। तो आप हम मल्टीप्लाई को कंटिन्यू करते हैं 1001 के साथ। तो पहले हम लेते हैं 7386 मल्टीप्लाइड बाय 1001। तो 1001 मतलब दिस इज 1001। अब 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरोस है, 3 जीरोस है, मतलब हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को हम अंडरलाइन करेंगे और ये 3 डिजिट को हम राइट आंसर में सीधा सीधा लिख देंगे, दैट इज 386 को हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, 6 ऐड होगा 7 के साथ, 8 ऐड होगा 0 के साथ, 3 ऐड होगा 0 के साथ एंड 7 ऐड होगा 0 के साथ। तो क्या हुआ, 6 प्लस 7 इज 13, 1 कैरी ओवर हो गया, 8 प्लस 0 इज 8 प्लस 1 इज 9, 3 प्लस 0 इज 3, 7 प्लस 0 इज 7। तो आंसर इज 7393386। अब एक 5 डिजिट नंबर के साथ करके देखते हैं क्या आता है, 23954 मल्टीप्लाइड बाय 1001। सेम रूल है, हम 1001 में 1000 में 3 जीरोस है, हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को अंडरलाइन करते हैं, 3 नंबर को हम सीधा सीधा यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 4 ऐड होगा 3 के साथ, 5 ऐड होगा 2 के साथ, 9 ऐड होगा 0 के साथ, 3 ऐड होगा 0 के साथ एंड 2 ऐड होगा 0 के साथ। तो हम ऐड करके हम आंसर को कंप्लीट करते हैं, 4 प्लस 3 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, 9 प्लस 0 इज 9, 3 प्लस 0 इज 3, 2 प्लस 0 इज 2। सो आंसर इज 2397954। अब हम और एक मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हम 5 डिजिट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10001 के साथ। 10000 में कितने जीरोस होते हैं, 4 जीरोस होते हैं, तो 4 जीरोस है मतलब हमारे प्रोसेस के हिसाब से जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें हम 4 नंबर्स को अंडरलाइन कर देते हैं और उसी नंबर को हम सीधा सीधा आंसर में लिख देते हैं, दैट इज 8394 हमारा आंसर में वैसे ही आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये 4 ऐड होगा 6 के साथ, 9 ऐड होगा 0 के साथ, 3 ऐड होगा 0 के साथ, 8 ऐड होगा 0 के साथ एंड 6 ऐड होगा 0 के साथ। तो ये तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे पास डिजिट बचा हुआ है। तो क्या हो रहा है, हमारा 8 तक हमने लिख दिया था, 4 प्लस 6 इज 10, 1 कैरी ओवर, 9 हम 0 के साथ ऐड किया तो 9 प्लस 0 इज 9 प्लस 1 10, फिर से 1 कैरी ओवर, फिर 3 हम 0 के साथ ऐड किया, 3 प्लस 1 4, उसके बाद 8 प्लस 0 इज 8 एंड 6 प्लस 0 इज 6। सो आंसर इज 6840083 94। अब देखिए इतना बड़ा एक मल्टीप्लिकेशन जिसका आंसर इतना बड़ा आया, उसको हम आसानी से हम इसको सिंगल लाइन में सॉल्व कर दिए हैं। आज का डिस्कशन तो आज यही तक हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नया मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लेकर। तब तक स्टे सेफ, नमस्ते।